Assalamualaikum my dear students, welcome to studyhai.pk and subscribe to keep in contact for more videos, lectures etc. आज का हमारा टॉपिक है निम्योकोनियोसिस के लेक्चर 2 के अंदर हम देखेंगे एस्बेस्टोसिस। इससे पहले हमने देखा था एंथ्राकोसिस, इसके अलावा सिलिकोसिस जो इसकी फर्स्ट वीडियो थी निम्योकोनियोसिस की टाइप 1, उसके अंदर उनकी मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस, तमाम चीज़ें। इसके अंदर हम तीन चीज़ें देखेंगे आज के छोटे से टॉपिक के अंदर। एक तो मॉर्फोलॉजी, जो कि पेपर के अंदर बहुत ही अहम है कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इसके अंदर आप क्या लिखेंगे। दूसरी चीज़ है कि इसकी टू टाइप्स होती हैं एस्बेस्टोसिस की, ये एक वन नंबर का यहाँ पे होता है, छोटा सा पार्ट दे देते हैं। डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ एस्बेस्टोसिस, जो कि एक तो क्रेसोलाइट है, क्रेसोटाइल, और दूसरा है एम्फीबोल। सो इनके अंदर क्या डिफरेंस है, आप कैसे लिखेंगे ये चीज़ें, और तीसरा सिंपली पैथोजेनेसिस। तो एमसीक्यूज के लिहाज से आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि एज़ कम्पेयर टू सिलिकोसिस एंड अदर डिजीज, जो ये है ना एस्बेस्टोसिस, इसके अंदर फिब्रोसिस लंग के लोअर लोब से स्टार्ट होती है, जबकि उनके अंदर क्या होता था कि फिब्रोसिस अपर लोब के ऊपर छोटे कोल मैक्यूज बनते थे, अपर लोब से स्टार्ट होती थी। सो ये एक डिफरेंस है। अगर क्लिनिकल स्नैडियो के अंदर भी आपसे ये कहा जाए कि पेशेंट है, उसे डिसनिया था, ये था, वो इस फैक्ट्री में काम करता था, उसके चेस्ट एक्सरे के ऊपर या सीटी के ऊपर लोअर लंग के अंदर फिब्रोसिस पाई गई है, कोई नोड्यूल है, तो वो क्या हो सकता है। तो अगर लोअर लोब से स्टार्ट करिए तो ये एस्बेस्टोसिस के अंदर लोअर लोब से ही स्टार्ट होती है फिब्रोसिस, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है। सो मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या लिखना है, सबसे पहले तो जो कॉमन चीज़ है कि इसके अंदर भी डिफ्यूज़ पल्मोनरी इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस। सो ये आपने पॉइंट्स बना के इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस, ये हो गया इसका पॉइंट नंबर 1। जो बहुत ही अहम जो कि डायग्नोसिस है, जो कि एमसीक्यूज के अंदर भी आपसे पूछ सकते हैं, वो है सेकंड पॉइंट, इसे हम कहते हैं एस्बेस्टोस बॉडीज। ये बनती कैसे हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एस्बेस्टोस बॉडीज है, जैसे कि लीनियर थ्रेड होता है और उसके इर्द गिर्द क्लबिंग शेप्ड एंड्स होते हैं या बल्बुअस एंडिंग, इसे हम कहते हैं एस्बेस्टोस बॉडीज। तो ये इनका सेंटर ट्रांसल्यूसेंट होता है, सेंटर ट्रांसल्यूसेंट, और इनके ऊपर इर्द गिर्द जो से हैं वो जैसे ही मैक्रोफेज के अंदर एंटर होते हैं ना, या मैक्रोफेज इन एस्बेस्टोस फाइबर्स को इनगल्फ करते हैं, तो वो फिर उसके अंदर इस तरह से बॉडीज हमें मिलती हैं, जैसे ये भी आप देख सकते हैं। अब ये एक आपने सेकंड पॉइंट पे लिख दिया कि एस्बेस्टोस बॉडीज दैट आर द लीनियर थ्रेड्स आर द स्ट्रैंड विद बल्बुअस एंड्स। थर्ड अहम पॉइंट जो कि आपने लिखना है, जिसके बाद आपको मैक्सिमम चांसेस हैं कि मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे, वो होता है फिरोजीनियस बॉडीज। अब इनके अंदर और इनके अंदर क्या डिफरेंस है, जो फिरोजीनियस बॉडीज हैं, फिरोजीनियस बॉडीज ये इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स के ऊपर जब आयरन डिपोजिट हो जाता है मैक्रोफेजिस का, तो फिर हाँ ये पार्टिकल्स हमें बनती हैं, और ये जो से ये फिरोजीनियस बॉडीज हैं, और इनका और इनको डिफ्रेंशिएट आप कैसे कर सकते हैं। इनके अंदर जैसा कि आपने देखा ये ट्रांसल्यूसेंट है सेंटर से, इनके अंदर ये ट्रांसल्यूसेंसी आपको नहीं मिलेगी, ये अंदर से भी वैसे ही होंगे। सो ये जो सेंट्रल ट्रांसल्यूसेंट कोड है ना एस्बेस्टोस बॉडीज़ के अंदर, ये फिरोजीनियस बॉडीज़ के अंदर ये नहीं होता। और इसके अलावा एक बहुत ही अहम चीज़ है कि एक लार्ज प्लेक्यूल बनते हैं, इसके अलावा भी प्लूरल प्लेक्यूल्स, ये भी आप इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर लिख सकते हैं। ये कहाँ पर बनते हैं, जैसे ये फर्ज करें ये लंग है, इसकी पोस्टीरियो लेटरल और इंटीरियर सरफेस के ऊपर ये प्लेक्यूल्स टाइप चीज़ें बनती हैं, तो प्लूरल प्लेक्यूल्स ये भी इसके अंदर ही आते हैं। और एक बहुत ही अहम बात है कि ये ना जब फिब्रोसिस काफ़ी हद तक हो जाती है, फिर ये हनी कम पैटर्न देती है, उन एक्सरे या फिर वैसे ही इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने लिखना है हनी कम पैटर्न ऑफ फिब्रोसिस। सो ये थी इसकी मॉर्फोलॉजी, अगर आप इतने पॉइंट लिख देंगे तो फिर आपको वो पूरे मार्क्स ही देगा। तो इसके अंदर हमने आपको बताया कि आपने कौन कौन सी एस्बेस्टोस बॉडी, फिब्रोसिस बॉडी, प्लेक्यूल्स जो कहाँ बनते हैं, एंटीरियर या पोस्टीरियर लेटरल सरफेस के ऊपर, हनीकम पैटर्न ऑफ फिब्रोसिस।
सो इतने पॉइंट आई थिंक इनफ है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन क्राइसोटाइल। इसके दो फॉर्म होते हैं क्राइसोटाइल एंड सेकेंड जोन्स हैं वो हैं इसके एम्फीबोल। इनके अंदर क्या डिफरेंस है? सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये ना 90% जोन से हैं ये मोर प्रीवेलेंट है, यानी 90% जो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ हो रहा है वो क्राइसोटाइल है, मोर प्रीवेलेंट। फ़र्ज़ करें आपको ये एस सी क्यू के अंदर आ गया, ये लेस प्रीवेलेंट, प्रीवेलेंट ये लेस पैथोजेनिक है, लेस पैथोजेनिक विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन और विद रिस्पेक्ट टू इंडक्शन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू इंडक्शन ऑफ मेसोथेलियोमा। सो एस्बेस्टोसिस में बहुत ही अहम चीज़ है कि ये एसोसिएटेड होते हैं मेसोथेलियोमा एक कार्सिनोमा इसे काज करने में मेसोथेलियोमा, जबकि जो सा दूसरा है ना हमारे पास एम्फीबोल ये मोर पैथोजेनिक है, विद मोर पैथोजेनिक विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ और इंडक्शन ऑफ मेसोथेलियोमा। सो ये हो गए दो पॉइंट ये आपने लिख दिए। तो मेसोथेलियोमा एसोसिएटेड भी ये भी एमसीक्यूज के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि ये कौन सा काज करते हैं, एंथ्राकोसिस के अंदर होता है, सिलिकोसिस के अंदर या फिर एस्बेस्टोसिस के अंदर। और एस्बेस्टोसिस के अंदर इसके टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं, उनमें से कौन सा काज करता है वो एम्फीबोल काज करता है। अब तीसरा अहम पॉइंट है कि ये होता है फ्लैक्सीबल, फ्लैक्सीबल एंड कर्वड, कर्ल्ड, जबकि ये होता है स्टिफ एंड स्टिफ होता है, स्ट्रेट होता है। तो ये फ्लेक्सिबल और कर्ल्ड होने की वजह से ज़्यादातर क्या करता है कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाके ये फंस जाता है, जबकि इसकी डीप पेनिट्रेशन होती है, ये अंदर तक जो से छोटे छोटे एल्वियोली तक होता है वहाँ तक जा सकता है, ये डीपली पेनिट्रेंट। सो ये डिफरेंस आ गया एम्फीबोल के क्राइसोटाइल के। इसके अलावा ये ज़्यादा पैथोजेनिक ज़्यादा ख़तरनाक है। इस तरह से आपने इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है। अब हम थर्ड बात की तरफ चलते हैं जो पैथोजेनेसिस ऑफ एस्बेस्टोसिस। और एक्सरे के अंदर ये कैसे नज़र आता है ये एक पॉइंट रह गया, ये लीनियर लीनियर ओपेसिटीज आती हैं, डेंसिटीज इन लोअर लोब ऑफ बोथ लंग्स मोस्टली। इन लोअर लोब्स ऑफ लंग्स जैसे ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी है। सो लीनियर डेंसिटीज आती हैं जो कि नोड्यूल्स टाइप एक्सरे के अंदर। तो पैथोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी चंद एमसीक्यू पॉइंट भी आपको मिल जाएंगे कि जैसे ना ये फ़र्ज करें ये आपका था ट्रेकिया बाइफर्केट किया, इसके बाद यहाँ से लंग स्टार्ट हुआ, तो आगे जाके यहाँ पे एयरवे के अंदर जो स्मॉल एयरवेज के ऊपर बाइफर्केशन होती है वहाँ पे जाके एस्बेस्टोस फाइबर आके फर्ज कर यहाँ तक पहुँच गए। सिंपली जो से एस्बेस्टोस फाइबर्स है ना इनको ये फ़र्ज करें ये माइक्रोफेज है, माइक्रोफेज क्या करते हैं कि इन फाइबर्स को इनगल्फ कर लेते हैं, ये फाइबर्स को इनगल्फ कर लिया तो इनिशियल इंजरी स्टार्ट हो जाती है, साथ ही इन्होंने इन्फ्लेमोसोम इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर दी। इसके अलावा इन्होंने मीडिएटर्स रिलीज किए जिन्होंने फिब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करके फिब्रोसिस और दूसरे न्यूट्रोफिल जैसे साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 1 दूसरी चीज़ें इसके जरिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी न्यूट्रोफिल्स की और उन्होंने स्टार्ट कर दी लंग इंजरी। इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिएटर्स दैट कैन इनिशिएट लंग इंजरी फिब्रोसिस एंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स। दूसरा एस्बेस्टोस फाइबर्स के अंदर सम टाइम क्या होता है कि जो स्मोकर्स होते हैं वो भी इसके ऊपर एक कवरिंग बना देते हैं, यह क्या करते हैं कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से जो मोस्टली प्लूरल पेरिफेरी की तरफ ये मेसोथेलियोमा काज करते हैं, ये ऑन्कोजेनिक बिहेवियर इनका इस वजह से होता है क्योंकि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को रिलीज करते हैं। लेकिन बात यह है कि आपने पैथोजेनेसिस के अंदर लिखना कैसे है ताकि आपको पूरे मार्क्स आ जाएं, कंसेप्ट तो आपको पता है पिछले लेक्चर के अंदर भी बता दिया था। सबसे पहले आपने एक पॉइंट के अंदर लिख दिया
कि इसकी दो टाइप्स होती हैं जिनके अंदर टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल होते हैं एस्बेस्टोस के, जिनके अंदर जो सा है ना एम्फीबोल वो ज़्यादा पैथोजेनिक है। दूसरे पॉइंट के अंदर आपने हेडिंग देनी है इनिशियल इंजरी। इनिशियल इंजरी जैसे ही वो लैंड करते हैं, जिसके अंदर आप लिख सकते हैं कि वो जाके मीडिएटर्स रिलीज करते हैं, तो तमाम चीज़ें। तीसरा आपने एक और पॉइंट लिख दिया इधर, रोल ऑफ मैक्रोफेज। मैक्रोफेज जो उनसे क्या करते हैं जी, ये डिफरेंट मीडिएटर्स जो कि प्रीवियस लेक्चर या फिर अपने आप बुक से भी देख सकते हैं, इनको रिलीज करते हैं टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, दूसरी चीज़ें फिब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करती हैं, इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट करती हैं। तीसरा ऑन्कोजेनिक बिहेवियर, एक और हेडिंग दे दी ऑन्कोजेनिक बिहेवियर ऑफ एस्बेस्टोस फाइबर्स। ये एस्बेस्टोस फाइबर्स ये क्या करते हैं कि एक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को रिलीज करके मेसोथेलियम और डिफरेंट चीज़ें काज कर सकते हैं। सो ये छोटा सा हमारा टॉपिक हो गया एस्बेस्टोसिस। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे क्या कहते हैं लंग कैंसर, उसको पेपर के अंदर आपने कैसे प्रेजेंट करना है। सो आज हमने इसकी सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, जो कि स्टूडेंट को अक्सर डिफिकल्ट लगती है, इसको डील किया, इसको आपने कैसे लिखा, इसके पॉइंट आपको बता दिए, तमाम चीज़ें। सो होप यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज, अल्लाह हाफिज़।